साहब के ताल्लुक से कि आप उनको ले रहे हैं, इनके खिलाफ केसेस हैं, फुला हैं, ये हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में 37% जो बीजेपी के एमएलएज हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं। बीजेपी में जो 116 एमपी हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं। 87% बीजेपी एमपी के खिलाफ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। 116 में से जो एडीआर की रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि बीजेपी हैज मोस्ट नंबर ऑफ एमपीज एंड एमएलएज विद केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। एडीआर ये कहता है कि बीजेपी एक एनजीओ है जो तमाम हम लोगों का रिकॉर्ड रखता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में ऐसे कई एमपी एमएलए हैं जो जिनके खिलाफ महिलाओं के खिलाफ मुकदमा है। 30% उसमें सीरियस चार्जेस है उनके ऊपर। और बीजेपी के जो अलाई जेडीयू है उसमें 81% एमपी के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। बीजेपी में एक सांसद है मध्य प्रदेश से, उनके खिलाफ तो और सीरियस चार्ज है। आप जानते हैं जो माजी में नाथूराम गोडसे को अपना हीरो माना और हेमंत करकरे के ताल्लुक से अनाप शनाप बका। और पांचवी बात यह है कि इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट को जो एमिकस क्यूरी ने रिपोर्ट दी, सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया कि उत्तर प्रदेश में 77 केसेस जो मुजफ्फरनगर राइट के थे उनको उत्तर प्रदेश की सरकार ने विड्रॉ किया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने खिलाफ एक केस को विड्रॉ कर लिया। और 2007 का जो गोरखपुर का केस उनके खिलाफ था, मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी प्रोसिक्यूशन की इजाजत नहीं देता। तो इससे एक बात और इससे बात साफ जाहिर हो गई कि जिस किसी पॉलिटिशियन का नाम प्रज्ञा होगा, अजय होगा, कुलदीप होगा, संगीत होगा, सुरेश होगा, कपिल होगा, वो लोकप्रिय नेता होगा। और जिसका नाम अतीक होगा, जिसका नाम शहाब होगा, जिसका नाम मुख्तार होगा, वो बाहुबली हो जाएगा। ये रियलिटी है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। और अगर अतीक अहमद मुजफ्फरनगर कांड से पहले अगर कोई प्रोवोकेटिव स्पीच देते और गोरखपुर में कोई और भाषण दे देते और उसके बाद गड़बड़ हो जाती तो हो सकता, या फिर उनका उस समाज से ताल्लुक होता जिसके पास सत्ता है, तो यकीनन उनके खिलाफ भी केसेस विड्रॉ हो जाते। तो ये तल हकीकत है। और भारत के कानून के लिहाज से अभी तक उन पर किसी भी केस में कन्विक्शन नहीं हुआ है। और उन भाभी हमारी बड़ी बहन भी है, वकील साहब भी उनके हैं। तो ये आपको सवालात आप कर जो करने के बजाय, मैं खुद उन सवालात का थोड़ा बहुत तजुर्बा मुझे है, इतना बड़ा नहीं है आपकी तरह, आपका और मेरा वक्त बचाने के लिए मैंने ये बात आपके सामने रखी। अब हम लोग अपने पहले मेंबरशिप का, ये अतीक साहब की मेंबरशिप भी है हमारी बड़ी बहन। अतीक साहब की मेंबरशिप का दे रहे हैं, ये हमारी बड़ी बहन भाभी का भी मेंबरशिप हमारे। और फिर कोई पकड़ लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसा बोल। सर एक बार और, एक बार आप ले लीजिए हमारा, वो आपको आप देख लीजिए, आपकी बरादरी। मैंने बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की बहुत सी तकरीरें सुनी और पार्लियामेंट में उनके डिबेट भी सुने और उनकी काबिलियत और दूरदर्शिता से बहुत प्रभावित हुआ। बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का देश के प्रति प्रेम और संविधान के प्रति उनकी आस्था, अल्पसंख्यकों एवं दलितों के प्रति उनके प्रेम और उनके मिशन को देखते हुए
मैं उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIMIM को ज्वाइन करता हूं और मैं भी करती हूं। आप सब से सहयोग की अपेक्षा है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।